YouTube को चलाइए कीबोर्ड से। मोबाइल में स्क्रीन टच और कंप्यूटर में कीबोर्ड शॉर्ट की यूज़ करने का अपना अलग ही मज़ा है। जिस तरह स्क्रीन टच के इस्तेमाल से मोबाइल फ़ोन तेज़ी से चलाया जा सकता है, इसी तरह कीबोर्ड शॉर्ट की यूज़ करके कंप्यूटर की वेबसाइटों को भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तक आपने कंप्यूटर पर YouTube को माउस से ही चलाया होगा, लेकिन दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर आप जो पूरा का पूरा YouTube है वो आप अपने कीबोर्ड से कवर करोगे, जिससे आप हर तरीके से बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ YouTube को चलाने के लिए कीबोर्ड से आप अपने पूरे YouTube को एक टीवी के रिमोट की तरह पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। यदि आप ज़्यादातर माउस यूज करते हो तो YouTube को यूज़ करने में बहुत सारी परेशानियाँ आती है आपको, तो मैं आज आपको एकदम शॉर्टकट की बताऊँगा जिससे आप बहुत ही इजी तरीके से YouTube को है वो कवर कर पाओगे और एक टीवी के रिमोट की तरह चला पाओगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करता हूँ। जैसे कोई भी आपको वीडियो है YouTube पे चल रहा है और उस वीडियो को आपको पॉज करना है, तो कीबोर्ड पर आप स्पेस बार दबा सकते हो या के बटन है वो दबा सकते हो। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ, आप खुद देखिए। तो दोस्तों सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर या कोई भी आप जो ब्राउज़र यूज़ करते हो उसके अंदर आपको सबसे पहले अपना जो YouTube है वो खोलना है, और जैसे ही आप YouTube को ओपन करोगे तो जैसे कोई भी वीडियो प्ले करना है तो जैसे मैं देखो स्पेस बार दबा रहा हूँ तो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। और स्पेस बार तो दबा ही रहा हूँ आज खास, और स्पेस बार के साथ साथ आप यदि के बटन भी दबाओगे तो भी वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। मान लो आप कोई भी वीडियो तो बहुत सिंपल है दोस्तों, आप भी ट्राई करें। तो बात करते हैं टॉपिक नंबर दो पे, वीडियो को फुल स्क्रीन करना है तो आपको केवल कीबोर्ड के अंदर F प्रेस कीजिए। जैसे आप F को वापस दबाओगे तो वीडियो है वो छोटी स्क्रीन के अंदर आ जाएगा, फिर F दबाओगे तो बड़ी स्क्रीन के अंदर आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप यूट्यूब को ओपन करोगे, अपना वीडियो जो चल रहा है उसको प्ले रखोगे और जैसे आप F बटन है वो प्रेस करोगे कीबोर्ड के अंदर, तो आपका जो वीडियो है वो फुल स्क्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कन्वर्ट करना चाहते हो अपने पीसी के अंदर, जैसे HD है उसको MP4 में कन्वर्ट करना चाहते हो या उसे भी लो क्वालिटी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो। यदि आप किसी भी कन्वर्टर से तो देखा आपने, मैंने जैसे ही F दबाया तो फुल स्क्रीन हो गया, फिर वापस F दबाया तो स्मॉल स्क्रीन के अंदर हो गया, और स्पेस दबाया तो वो तो मैंने आपको पीछे बताया है जिसे आप पॉज कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टिप की। तो कैसा लगा आपको, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अगर आप वीडियो को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, बस 5-5 सेकंड के लिए वीडियो को आगे बढ़ाना चाहते हैं, L का है वो की का यूज़ कर सकते हो, जिससे वीडियो है वो 5-5 सेकंड है वो आगे जाएगा और 5-5 सेकंड है वो पीछे भी बैक भी ले सकते हो। तो आपको कौन सी की प्रेस करनी है, L और J वाली, और K से तो पॉज होता ही है, मैंने पीछे आपको दिखा भी दिया स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो चलिए इसका भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपका YouTube पे वीडियो प्ले होगा तब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप वीडियो वो 10-10 सेकंड है वो आगे पीछे कर सकते हो। कैसे, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। आपको J और L की को प्रेस करना है, L से आप आगे जाओगे और J से आप है वो पीछे जाओगे। तो चलिए देखते हैं। उस क्वालिटी को कन्वर्ट करते हो तो क्वालिटी लो हो जाती है, लेकिन ये देखो मैं जे दबा रहा हूँ तो 5-10 सेकंड आपके लिए लेके आया हूँ। मान लो आप यदि आप अपने क्या इतना भी फुल हो तो इस तरीके से जानते हैं 10-10 सेकंड है वो आगे पीछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टिप की। तो कैसा लगा आपको, अगर आप वीडियो को 5 सेकंड से ज्यादा वीडियो को आगे करना चाहते हो, 5 सेकंड की जगह आप 1-1 मिनट आप वीडियो को है वो
आगे करना चाहते हो तब आपको कीबोर्ड के अंदर पेज अप व पेज डाउन बटन को है वो प्रेस करना है, जिससे आप एक एक मिनट वीडियो को आगे कर सकते हो और एक एक मिनट वीडियो को पीछे कर सकते हो। जैसे आप पेज अप दबाओगे तो वीडियो आगे जाएगा और पेज डाउन दबाओगे तो वीडियो एक मिनट पीछे जाएगा। तो चलिए कैसे मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आपका आपके लिए नॉलेजफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है तो एक लाइक तो बनता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आपको वीडियो है वो 15 या 20 मिनट आप देख चुके हो और फिर से शुरू करना चाहते हो तो कीबोर्ड के अंदर जीरो बटन है या जीरो जो की है उसको आपको प्रेस करना है। इसके अलावा आप होम बटन को दबा के भी आप वीडियो है वो शुरू से स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए इसका भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आपके YouTube में कोई भी वीडियो प्ले होगा और उसको आपको वापस शुरू से प्ले करना है, आपने 5 मिनट या 10 मिनट जितना भी देख लिया है उसके बाद जस्ट आप उसको वापस शुरू से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको जीरो की है वो प्रेस करनी है या दबानी है। तो चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ वीडियो के अंदर। तो डिस्क ड्राइव बड़े बड़े वीडियो HD क्वालिटी के होने के कारण आपका अब ये वीडियो चल रहा है, मैं इसको शुरू से करूँगा तो जीरो प्रेस करूँगा। अब वापस जीरो दबाऊंगा, अब मैं होम दबा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो एक बार करके आप खुद ट्राई करें, बहुत ही आसान है और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टिप्स की। YouTube पे आप वीडियो देख रहे हो और आपको आवाज़ है वो या तो ज़्यादा करनी है या कम करनी है, तो सिंपली आप जो बटन की है वो अप और डाउन की को आप प्रेस करके आराम से वॉल्यूम है वो ज़्यादा या कम कर सकते हो। और बाय चांस आपको मान लो कि वीडियो तुरंत म्यूट करना है तो आप M की को दबाओगे तो वीडियो है वो बिल्कुल म्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, वॉल्यूम है वो या तो आपको ज़्यादा करनी है या कम करनी है या म्यूट करना है, तो क्या करना है। तो जैसे मैंने ये वीडियो प्ले किया, ये देखिए वॉल्यूम डाउन हो गई एकदम। अब मुझे बढ़ानी है वापस वॉल्यूम। मान लो आप कोई भी वीडियो कन्वर्ट करना चाहते हो अपने पीसी के अंदर, जैसे HD है उसको MP4 में कन्वर्ट करना चाहते हो या उसे भी लो क्वालिटी के अंदर डाउन करना चाहते हो तो डाउन करते रहो। यदि आप किसी भी कन्वर्टर से उस क्वालिटी को कन्वर्ट करते हो तो क्वालिटी लो हो जाती है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप अपने और म्यूट करना आपको तो M बटन है वो आपको दबाना है। जैसे आप M दबाओगे तो वीडियो वो आपका म्यूट हो जाएगा। ये देखिए वापस हम दबाओगे तो म्यूट है वो हट जाएगा। उससे कोई भी और कंपोज करने से आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो। तो दोस्तों देख लिया आपने, और यदि इसी के अंदर आपको वीडियो है वो आगे करना है थोड़ा, तो आप इन्हीं एरोज की को जो वॉल्यूम ऊपर नीचे वाली है तो साइड वाली भी होती है तो आप उनको भी दबा के कर सकते हो। मिलेगी जो HD के अंदर आपको देखिए करते हैं। ये देखिए तो बहुत सिंपल है। तो आप भी एक बार ट्राई जरूर करिएगा, आपको अच्छा लगेगा और माउस से चलाने की आदत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और कीबोर्ड से यूट्यूब चलाने की आपकी स्पीड भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यदि कंप्यूटर से रिलेटेड आपके कोई भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका जवाब मैं आपको तुरंत दूंगा। धन्यवाद।